बंद हो गया, ये बंद ही हो गया, क्या बात है, कितना अच्छा बजाया आपने, जोरदार तालियां सबसे तो पहले. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. आई वेलकम यू विद ओपन आर्म्स एंड एन ओपन हार्ट लाइक वी पंजाबीज ऑलवेज डू. और आज मेरे अंदर की ना जो वो पंजाबन है ना, इतना ज़्यादा बाहर आके इसलिए बोल रही है बिकॉज टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट. क्या बात है, ये जो एक अक्षर है, ये जो नाम है, हम बार बार लेते रहेंगे आज ऑडियंस में. यस, वी आर हियर टू टॉक अबाउट अमर सिंह चमकीला, ऑल्सो नोन एज एल्विस प्रेस्ली ऑफ पंजाब. बातें तो बहुत होने वाली हैं. एंड मैं क्या बताऊँ चमकीला के बारे में, ही वॉज द हाइस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट ऑफ पंजाब. चमकीला की जो गायकी इतनी मशहूर थी, एंड यू मस्ट लिसन टू दिस पीस ऑफ ट्रिविया वेरी केयरफुली, उनकी गायकी जो थी ना इतनी मशहूर थी दैट आउट ऑफ 365 डेज, यस 365 दिनों में से 365 दिनों में ऐसे टाइम होते थे कि वो 400 तक शोज कर लेते थे. हम तो यहाँ खड़े हैं, एक शो करेंगे, फिर 15 दिन बाद एक और शो करेंगे जहाँ आपसे मुलाकात होगी. बट यस, इमेजिन द मैन, 365 डेज, 400 शोज तक किए हैं उन्होंने. इनफैक्ट कुछ लोग तो अपनी शादी की डेट चमकीला की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फिक्स करते थे. नाउ व्हाट अ टाइम दैट वाज, ही वाज सच अ फोर्स दैट उनकी आवाज़, उनके अल्फाज, उनका अंदाज आज भी कायम है. लाइक दे से, आवाज़ कभी मरती नहीं. एंड विद दिस नेटफ्लिक्स विल सी टू इट दैट उनकी कहानी, उनकी ग्रेटनेस पंजाब की गलियों से निकलकर पूरे देश को पता चले. यस एंड बियॉन्ड. इसीलिए आज इस मंच पर राज करेगी पंजाबी मिट्टी की खुशबू जिसे कोई रोक नहीं पाएगा. तो इधर उधर की गलना जो है, आई एम गोइंग टू ट्राई माय हैंड इन पंजाबी. शुड आई स्टार्ट स्पीकिंग इन पंजाबी? हाउ मेनी ऑफ अस अंडरस्टैंड पंजाबी हियर? Okay, good. So do I. I'm married to one also. I am one also. And yes, I'm minus convenient Punjabi. When he's saying things I don't agree with, I say, mujhe samajh nahi aa rahi. Is that correct? Is that allowed? All right. Idhar udhar ki galla jo hai na, apa puri band karange te paavange gidda. Are we ready for it? Yes, waqt aa gaya hai dhol bajane ka. Everybody say Hadappa, or even better, Burra! Oh,
बात है, क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां फॉर अ ब्यूटीफुल परफॉर्मर्स। Well, I have to say, ये शुरुआत सिर्फ शानदार नहीं, सिर्फ धमाकेदार नहीं, उससे भी कहीं बढ़ के है। इसीलिए मैं इसको ना एक ही शब्द में डिस्क्राइब करूंगी, इनफैक्ट मैं आपको ये मौका दूंगी डिस्क्राइब करने का। ये शानदार है। यस का क्या मतलब होता है? अभी तो मैं सब सिखा के गई थी आपको, आपको बोलना चमकीला। ये शानदार है, you perform as well, dhol kitta and the feel of Punjab, the power of Punjabi music is truly magical and the magic of Amar Singh Chamkila is absolutely eternal. So now let's meet the visionary from Netflix jinhone Chamkila ki chamak ko puri duniya ke samne lane ka socha. Yes, you always need that one voice, that one mind to bring it forward. Like every story apart from the makers, there's always one force, and this is the person I'm about to welcome on stage right away. Please welcome director of original films Netflix India, Ruchika Kapoor Sheikh. Thank you for the wonderful introduction. Thank you for the wonderful playing. Amar Singh Chamkila, the Elvis of Punjab. He has the honor of having the highest record sold ever, and that maybe makes him one of the greatest musicians of our country. But that's not why we're telling his story, or that's not the only reason. In the 1980s, his songs were absolute guilty pleasures. People would say, he's too famous, he's too vulgar, he's too sensational, but he's too popular all at once. Log kehte the, bade gande gande gaane gaata hai. कुछ लोग खुल के गंदे गाने सुनते थे, कुछ लोग छुप के, लेकिन सुनते सब थे. लाइफ वॉज वन बिग कॉन्सर्ट फॉर हिम अंटिल एट द एज ऑफ 27 रियलिटी स्ट्रक. अमर सिंह चमकीला इज प्रोबेबली द ओनली म्यूजिशियन हु पुट हिज रॉ पैशन बिफोर एवरीथिंग एल्स इन हिज लाइफ इंक्लूडिंग हिमसेल्फ. एंड जस्ट लाइक हिम वी हैव अ सुपर पैशनेट टीम बिहाइंड दिस. A storyteller director Imtiaz Ali, woo-hoo! With incredible original music by A.R. Rahman, voiced by Mohit Chauhan, penned by Irshad Kamil, starring the amazing Parineeti Chopra, and the OG GOAT, Diljit Dosanjh. I'll just pretend that cheer was for me in my speech. But we present you today very humbly the trailer of Amar Singh Chamkila. We hope you enjoy it as much as we enjoyed making this film. Thank you, and cue to the trailer, please. Well, I have to say, aisa lag raha hai jaise Amar Singh Chamkila phir se 2024 mein hamare samne aa gaye hain. Every frame looks so pure. Each frame, each note, and the raw, unfiltered emotions, it's storytelling at its best, isn't it? Do baar bhi dekhkar man nahi bhara. What did you guys think? Really, really. I was also watching it from the wings, and aise lag raha tha ki I just want to be transported to that world and that time and that era. But all of that aside, I know ki aap chahte hain that we actually call on, the people we saw on screen and the makers, but within a few minutes. Well, that's the magic of cinema, the power it wields. It can take historical legends like Amar Singh Chamkila and Amar Jodh, whose stories are etched in time, and within a moment, it can be right in front of us, like we just saw. This epic story needs to be witnessed for you to believe it. The untold true story of Punjab's original, yes, OG rock star of the masses, who performed everywhere with his wife, yes, with his lovely wife, Amar Jodh, and who emerged from the shadows of poverty and rose to the heights of popularity in the 80s due to sheer power of storytelling through and in his music. Sirf 27 saal tak wujiye aur Chamkila ke fearless attitude ne duniya ko hila diya. Aur it will continue to do so through the power of cinema, which you will see now. And that's why each one of us needs to see it to believe it, that Amar Singh Chamkila jaisa koi nahi tha. Aur aaj bhi wo buland hai. Aur ye sab
वो कर पाए क्योंकि उनकी और उनकी बीवी अमरजोत की जोड़ी वाकई में अपने आप में एक मिसाल थी. इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ एंड दैट्स समथिंग दैट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट फर्दर. एंड आप सब ये सोच रहे हैं कि इतना बोल रही है बट पीछे कुर्सियां लग गई हैं, वो बुला नहीं रही है. यस, जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बस एक सेकंड. तो चलिए बुलाते हैं उन्हें जिन्होंने अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की कहानी को दुनिया के को सुनाने की जिम्मेदारी उठाई. प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग ऑन स्टेज द पावर हाउस ऑफ टैलेंट एंड एक्ट्रेस हु इमर्सेस हरसेल्फ इन एवरी, यस, एवरी कैरेक्टर शी पोर्ट्रेज, मेकिंग अस लाफ, क्राई एंड चीयर विद हर एवरी टाइम. एंड इन माई वर्ड्स आई ऑलवेज डिस्क्राइब हर एज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल एक्ट्रेसेस और एक्टर्स वी हैव इन आवर टाइम्स राइट नाउ. एंड द मैन, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन ऑफ द मोमेंट, इन फैक्ट द मैन ऑफ एवरी मोमेंट, जो अपनी आवाज, इनक्रेडिबल एक्टिंग, अनमैचेबल विट, माइंड ब्लोइंग ह्यूमर से पंजाब, इंडिया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रहे हैं. गिव इट अप फॉर द अमेजिंग परिणीति चोपड़ा एंड द वन एंड ओनली दोसांझ वाला दिलजीत दोसांझ. Yes, please take a seat. Yes. Well, on that note, ladies and gentlemen, in a film where every beat tells a story and every melody paints a picture, we've just met the lovely faces of the tale. In the story of Amar Singh Chamkila, music isn't just a part of the narrative, it is the narrative. So let's meet the maestro behind the magic, the legend whose compositions have just defined this film, not just defined this film, but have redefined the landscape of music time and again. Please join me in welcoming the heart of Amar Singh Chamkila's story, the incomparable, the legendary Oscar, Golden Globes and Grammy Award winning music composer, Padma Bhushan, Mr. A.R. Rahman. Please take a seat. Please take a seat. Okay, fine. Okay. And every tale, especially one as compelling as this, begins with a vision. So let's meet the man who has sculpted a narrative that's as enchanting as the melodies that underpin it. Chamkila ne apni life mein jitni risks uthaye hain. अपनी स्टोरी टेलिंग के साथ उठाने वाले हैं. यस, दिस मैन इज द वन हुज गोइंग टू बी टेकिंग ऑल द रिस्क इन टेलिंग यू द स्टोरी. अपनी फिल्म और किरदारों के जरिए दिल से बात करने वाले द स्टेलर इम्तियाज अली. ढोल पहले बच गया. All right, and let's invite back on stage the fabulous Ruchika Kapoor Sheikh. We'd love for you to take your seats, please. Yes, ladies and gentlemen, that is the stellar cast, and of course, the director, and then we have the lovely Ruchika, and of course, A.R. Rahman, sir, right here with us. We're going to be in conversation. I'm going to be asking them a few questions, hopefully answering all your questions through mine. So, are we ready? All right, well done. Ek bande ne woo kiya hai, bas kaafi hai woh humare liye, but we will still ask the questions. Thank you. Yes, let's hear it for our lovely band over here. अपने बहुत ही
Yes, we spoke about them in the beginning. They played in the film. Imtiaz is reiterating that. And we'll give you a mic, Imtiaz. We'll actually start with you. You know, Imtiaz, if you, as a filmmaker, you can pick any story to make. At this point in your career, you've had so many, so many successful stories behind you that you have the opportunity of picking anyone and any story and any true story to tell. Why did you pick the story of Chamkila? Good morning, everyone. Well, for one thing, Neha, sometimes when you live in cities and in the world of social media, you have this feeling that you are disconnected from a large mass of your country and the world, which lives in villages, which does not consume the same products as you. Sometimes I used to feel that I'm getting more and more distant from those people, which we call the masses. And what is fascinating about Chamkila is that he was the entertainer of the masses, those people that we often are unable to see, actually. So that was very fascinating, that how was this man talking in the language that the masses understand? We all want to learn that language as communicators. But this man knew it. People were crazy about him. People used to fix their weddings, as we were discussing, according to what date was available for him to perform. So I wanted to experience that kind of world and understand what is it that worked. Maybe I can import it in our own work. Firstly, that. Secondly, this enigmatic life of a musician who is very popular, challenges the norms of the society, and at the peak of his youth gets killed, you know, has a very violent end. This happens everywhere in the world, unfortunately. And this also is a very enigmatic character. So I also wanted to enter into that mind space and, you know, see what happens when Amar Jot and Chamkila at 27, being so hugely popular, are also taking chances with their life and they ultimately have a violent end. I just wanted to get into that enigma. I mean, there's so many more questions I want to ask you after this answer that you've given us. But I'm going to come back to you, Imtiaz Rishka. I'm going to come to you for a minute and ask you, what was it like? Like, what was it like in the Netflix boardroom? Wahan pe kya chal raha tha? Ki, okay, this is it. We're going to say yes to Chamkila because of this reason. I would love to be a fly on the wall at that point and tell me how it went. I mean, I think the reason that we were very happy that we were a part of the film is sitting right next to me. I mean, all of them. I don't think we've ever watched a film that's got the brilliance of Imtiaz Sir with the vibrance of Pariniti and the original. I think between Rehman Sir and Diljit, we've pretty much got the entire country covered when it comes to their love for music. So I think just the expanse of this, the fact that it's, I think this is the first time that there's been a biopic of a musician in our country. I think the early 60s, there was one, maybe Beju before that in the 50s. And to think that we're a country where every film has wonderful songs and songs are a part of our storytelling, to be able to tell the story with them, we're just honored and we're just excited. And we are very humbly putting this out, not just to the entire country, but also to the whole world, because there couldn't have been a more riveting, locally anchored story like Chamkila, which celebrates his highs and also talks about the lows that I think very few people peek into in a film. So we're just excited and I want to take this opportunity to say thank you, all of you, for giving us this film. Well, I'm pretty sure they feel the same way because it takes a team. It really does. I mean, you know, it's of course the four of them and then there's you and then there's everyone else who puts it together. Sir, I'm going to come to you. When I say sir, I mean you at all times, sir. I'm not calling Diljit or Imtiaz, sir, on this table at all. And no pari, sir. But sir, I'm going to come to you. 9 years after, it's been 9 years since the two of you worked together, you and Imtiaz? Yeah. And what is it about Imtiaz? Like, he calls you and you can't say no to him. No. So what does Imtiaz Ali say to you on that call? I think certain directors, you lose the titles. Sorry, say again? You lose the titles like director, composer. Uh-huh. You become like friends. You become like co-storytellers.
I think Imtiaz is one of them. Of course, there's Mani Ratnam, Rakesh Mehra, and so many other. But Imtiaz is like, we don't deal with, oh, give me a hit song. He never asks for all that stuff. I just listened to the story and said, can we have this? Can we have this? Can we have this? And he has certain things. So sometimes I give him something which is completely not suitable. He still has it in his kitty. And sometimes he comes up with, Irshad comes with beautiful lyrics and we start working on it. In this case, actually, the first question was, why me? Because that's Chamkilaji, he's already done the music and it's about the music. So what is our take on it was our discussion. And that actually led us to all the songs we've done. You know, you've also mentioned a few times about interest and you've also dabbled in different genres of Punjabi music, because even within Punjabi music, there are different genres. So what is it about this sound that fascinated you the most? I think songs, each period has a taboo. And in this one, the more early it goes, the more naughty the songs were. And even in Tamil, in the 40s and 50s, had certain lyrics which we can't even use now. You know, really? Yeah. Like, did you tell Imtiaz, no, this is not working? And did you ever have a moment, Imtiaz? I mean, you're an ace filmmaker, and I would imagine that between the two of you, would you ever have a moment saying, this is working, this is not working, this is the melody that works? What do you say when both of you are negotiating which track actually comes forward? The first time that Rehman sir had sounded a piece of music to me, I was overwhelmed and I said, I'm relieved. Because suppose I didn't like it, I would not say to A.R. Rehman that I don't like it. Because yeah, how do you tell somebody who's, you know, A.R. Rehman? I can find out from the face. And I thank God that I like it because I'm safe. I'm on the safer side now, you know. And so I told him that. He said, no, but you have a job and I have a job. We must do it also. So I don't know. With Rehman sir, it's like always a discovery. It's not about whether it's working or not. It's more like I can't even imagine where he takes me, even in storytelling, forget about music. So for us, it's more like a journey. It's not like, is this working or not? For instance, and from Rockstar, Pirse Urshala is there. But given that tune to anybody else, they would have said, oh, it's very complicated. Let's not have this. He just patiently sat. He got the lyrics from Irshad, patiently sat with Mohit, recorded it. I said, I'm not going to come now. I came after 3 days and we listened to the song. That's what we have now. And not only Indians, even Goras, you know, you go abroad. That's the song they vibe a lot. Well, that's how magic happens. I feel a large part of it is trust and having similarities. Now, you know, speaking of the other part of the magic that is happening on stage right now and from where I see it and where all of you have seen it, Imtiaz, apart from you, the three leads in the film, there's Pariniti, you have Diljit Dosanjh, and you have A.R. Rehman. I mean, look at you. You did well. Uh-huh. So now tell me, how did it come about? The first person I spoke to was A.R. Rehman. Why am I not surprised? We were thinking about who will act in it. The first name that came was Diljit Paji's. But at that time, somehow we were thinking it won't happen, he won't do it. I don't know what was going on. I even remember talking to Angad. Angad also said, why don't you talk to Diljit? Yeah, I'm hoping that now Diljit recommends Angad for another film. So then after some time, I spoke to Diljit. And I thought, pata nahi whether it'll happen or not. But when I spoke to him, I thought I'll have a 5-minute conversation. We'll say that we'll fix up a time and then I'll tell you the story, etc. It became, Paji, one hour, aisa lamba gaya. And what happens with actors is that when you're telling the story to an actor, if you are liking it yourself, then that's the actor you want in the film. The way he listened to the story, I liked the story and I started getting more interested in it. I feel very clearly
that without Diljit and without Pariniti, this film could not have been made. And I hope when you watch it, you realize why I say so. Also with Pariniti, she was number one choice. Thankfully, when I met her, she said, I've been waiting for 5 years to do a film where I can sing. I said, this is such a film. She says, I'm on. I said, wow. And then we started realizing, yaar, iski shakal bhi milti hai thodi bahut Amarjot se. Phir maine bola, ek bahut aasan kaam hai, apna samosa, malai, chaat, ye sara khana shuru kar do. You have to gain some 10 kilo weight. And then, but this is not any, like, no girl would have done it. No guy would have done. It's very tough for an actor to put on that much weight. So thank you very much to both of you. Really, I feel like it goes beyond the faces, the voices, and you know, all of that that they lend. They lend their talent and the commitment. Now, Pari, I'm going to come to you first. Congratulations. I haven't seen you since your wedding. Also wasn't invited, which is fine. Yeah. So it's fine. Bahut karte hain aise. I think I started that trend. फटाफट कर लेते हैं साइड में बट यू नो पारी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द फिल्म रियली वाई आई एम सेइंग दिस जस्ट सून आफ्टर सीइंग द जस्ट द ट्रेलर ऑफ द फिल्म इज बिकॉज यू नो दैट देर इज समथिंग एंड मोर देन समथिंग स्पेशल एंड आई ऑल्सो नो दैट यू हैड दिस डीप रूटेड विश ऑफ प्लेइंग अ म्यूजिशियन एंड सिंगिंग फॉर योर सेल्फ यू नो इन द मूवीज एंड इन द रोल्स दैट यू प्ले. How did it all come about? How are you feeling about it right now? I honestly feel scared. I feel like Chamkila has ruined the experience of every other film that I'm ever going to do now, because I've worked with the best director, the best co-star, the best music director, the best location. I've done a role that I don't think not only me, any actor can get, like to immortalize a person, a musician, a legend like Amarjot ji, to be able to sing myself, matlab sab kuch to kar liya. Mujhe ab lagta hai main agli picture mein kya karungi. I really feel ki ab main, meri to band baj gayi hai, that what am I going to do next? You know, shooting Chamkila was like meditation. You know, it was the most, it was full of music, yet it was the most calm, silent, disciplined, beautiful, harmonious set. You know, usually I'm set pe hote hote, hey, ye kar, hey, wo kar, hey, light niche kar, hey, ye kar, hey, light ja raha hai, jaldi karo, jaldi karo. Like, this is the sound you're used to on set. But here was the captain of the ship, who you can see is the most calm, meditative spirit. Same for Diljit. And same for me, I meditate early in the morning. हम लोग सुबह सुबह 6-7 बजे सेट पे पहुँचते थे, 5-6 बजे तक शूटिंग हो जाती थी. सो आई यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट फील फुलफिल्ड. यू फील लाइक आप किसी यू नो गुरुद्वारा में बैठ के आई हूँ मैं बड़े घंटे. यू नो आई यूज टू फील लाइक दैट. सो इट वॉज ब्यूटिफुल. आई थिंक मैंने कुछ तो जिंदगी में सही किया होगा कि सर गेव मी अ फिल्म. आई हैव बीन वॉन्टिंग टू वर्क विद इम्तियाज सर फॉर मोर देन लाइक 9 years. आई रिमेंबर like the day that I'd come into the movies, I had made a list of directors and sir's name was number one. And I said, like, he'll never work with me, but I am putting him on the list, obviously. And it happened, and then I got to sing in his film. It's just, I'm a fan of this experience and I'm spoiled now for life. Wow. You've really taken us, you know, we traveled with you in that answer, because you took us through set experience, your process, your career graph, and pehle naam likha tha because it was alphabetical, right? No. No? Aja, chaati, kaam karne. Imtiaz, yeah, I'm taking up for you over here. All right, now, you know, I know. He asked me not to stick to the script, so I'm not sticking to the script. Yeah. Because, you know, that's what friends do. They come and tear your scripts. No, and I now need to talk to someone who, I feel like wherever he goes, there's a tremor. Like, there's a geographical movement that happens. And I love the way he's not acknowledging it right now. I'm talking about you, Diljit. He's looking away, like, what are you talking about? See, this is what I mean. This is what I mean. Like, you know, what
he has achieved, and I'm not looking at him and saying this because he'll never accept it, because he's just so modest, but what he has achieved in one life, like I feel like most of us, and I'm generalizing us right now because we're facing him, have to like live 7 lives to achieve this. So Sasrikal ji sare nu mainu angrezi samajh nahi si aa rahi is karke main kalon nahi main keh rahi ha ki tusi jithe ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਫੇਲ ਕਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਪੁੱਛੋ ਨੋ ਬਟ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਗਾਈਜ਼ ਵਾਟ ਡੂ ਆਈ ਡੂ ਇਟਸ ਓਕੇ ਜਸਟ ਗੋ ਫੋਰ ਇਟ ਗੋ ਫੋਰ ਇਟ ਜਸਟ ਗੋ ਓਕੇ ਵੇਟ ਫੋਰ ਵਾਟ ਕੈਮਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਯੂ ਨੋ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਦਿਲਜੀਤ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਜ਼ ਅ ਗਲੋਬਲ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਟੂ ਬੀ ਪਲੇਇੰਗ the character of Chamkila with a crew like this, like, you know, whether it's A.R. Rahman sir, whether it's Netflix, Imtiaz Ali, Parineeti, with a crew like this. Tell me about your experience to, like, actually live the fact that you're such a global rock star and playing a musician in a film as a lead like Chamkila, because you're also deep-rooted like he was. Like Chamkila, कितनी देर से हम सुन रहे हैं एज एन म्यूजिशियन मुझे लगता है कि पंजाब में या पंजाब से बाहर भी जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो अभी भी चमकीला को फॉलो करते हैं अभी भी उसकी कंपोजिशन को फॉलो करते हैं वो लिरिक्स की चॉइस को आप साइड पे रख दें लेकिन जैसे वो गाने कंपोज करता था वो एक साइंटिस्ट लेवल की बात है वो आज तक लोग उसको एक एक लाइन पर गाना बन रहा है वो कैसे बना गया वो कैसे उसने वो डायमेंशन ओपन की कैसे वो डाउनलोड किए उसने वो कंपोजिशंस तो वो तो हमें नहीं पता लेकिन वो उसको आ रहा था और हम आज तक उसको फॉलो करते हैं और जब हमें पता चला कि इम्तियाज़ सर फिल्म बना रहे हैं चमकीले पे ये न्यूज़ तो बड़ी देर पहले आउट हो गई थी लेकिन बनी नहीं थी पिक्चर यस दैट इज़ करेक्ट तो हमें लगा था कि यार ये शायद नहीं बना पाएंगे क्योंकि गाने तो पंजाबी में हैं ये लोग कैसे चमकीला तो हिंदी में बन नहीं सकता लेकिन एक जो ये टेक इम्तियाज़ सर लेकर आए कि चमकीले ने स्टेज पे लोगों के लिए गाने गाए लेकिन उसके अपनी स्टोरी क्या थी उसके अपने क्या गाने हो सकते हैं उसकी अपनी कहानी क्या हो सकती है इस नज़रिए से हमने नहीं सोचा था और उसके बाद जब पता चला ए.आर. रहमान सर म्यूज़िक कर रहे हैं फिल्म का तो मतलब इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी नेटफ्लिक्स पर फिल्म आ रही है इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी परिणीति जी ने इतना प्यारा गाया फिल्म में जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की है अमरजोत को गाना चमकीले से भी टफ है क्योंकि उसके नोट और भी हाई थे चमकीले से भी हाई थे तो इन्होंने बहुत मेहनत की है फिल्म में और हम सब बहुत खुश हैं कि ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है फिल्म और आई होप कि चमकीला अगर सुन रहा है तो वो भी अगर संतुष्ट हो कि हमने जो काम किया है अगर उसको भी अच्छा लगे तो फिर सारा कुछ ठीक है जी और बिल्कुल लगेगा You know, I want to go back to the question jab Imtiaz ji ne kaha tha na ki wo jo 1 ghante ki jo narration di thi at what point did you think ki main ye film zarur karunga 1 ghante ke pehle ki jis din Imtiaz ka phone aaya ki baad mein aapne jawab diya nahi nahi main to ready tha ji acha ha main to ready tha kyunki ye Imtiaz sir ke sath film karna mere hisse mein nahi aana tha na hi mere ye sapne mein tha kabhi ye chamkile ki wajah se hi hua iska credit bhi chamkile ko hi jata hai ये कहानी नहीं होती तो शायद मैं कभी भी इम्तियाज सर की फिल्म का हीरो नहीं होता नो बट दिस इज अ स्टार्ट राइट इम्तियाज यस सो ये चमकीले की वजह से हुआ आपकी वजह से भी हुआ बट आई एम गोइंग टू कम टू यू सर देयर इज यू हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड अपार्ट फ्रॉम यू नो द म्यूजिक यू हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड द फैक्ट दैट दिलजीत एंड परी हैव संग लाइव फॉर यू फॉर द फिल्म चमकीला कैन यू टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट दैट सो I think she was driving and I said can you sing I didn't know then she's so amazing on the
on the FaceTime call. Oh, that Zoom call. Zoom call. Oh, you made her sing on a Zoom call? No, no. So can I yes. quickly present the context? So kya hua tha ki mujhe yaad hai last year ya 2 saal pehle, was it 2 years ago? Haan. I was on my way to a party that we were all at, by the way. It was, I think, Karan's birthday party. And I was on the way and suddenly sir called me. And unhone kaha, where are you right now? Are you free? So I said, yes, sir, I'm free right now. I thought like he'll just have a chat with me. तो उन्होंने कहा नहीं 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 दिलजीत आप शायद US में थे तो ये सर हम लोग ना चारों अभी फटाफट जूम कॉल कर रहे हैं कैन यू डू इट तो मैंने लिटरली किसी ट्रैफिक जैम में थी मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि फटाफट गाड़ी साइड में रोको और सब चुप हो जाओ अभी कोई सांस भी नहीं लेगा एंड आई रिमेम्बर कि वो जूम कॉल हुई एंड इट वॉज सर डीडी मी एंड इम्तियाज सर एंड हम लोग उस जूम कॉल पे थे एंड उस जूम कॉल पे जो मुझे लगा चलो हेलो हाय हो रही है यू नो इंट्रोडक्शन मैंने कहा चलो इतना भी सही है हेलो हाय हो गया रहमान सर कहते हैं कि आपको गाना आता है तो अब मैं क्या बोलूँ तो मैंने कहा सर मतलब आई लाइक सिंगिंग मैंने नहीं बोला आई कैन सिंग और नॉट मैंने कहा सर आई लाइक सिंगिंग मुझे लगा सेफ आंसर राइट ही सेड ओके सिंग एंड शो इंटेलिजेंस I could not believe it. मैंने कहा गई पिक्चर गई अब तो नहीं मिलेगी क्योंकि ही वर्क्स विद द मोस्ट जीनियस सिंगर्स आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड अब मैं गा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ देखो मैं कितना अच्छा गाती हूँ मेरे को जरा कास्ट कर लो मतलब इट वॉज द बट मैंने आई रिमेंबर आई सैंग दमादम मस्त कलंदर या कुछ मैंने कहा चलो पंजाबी जो भी मुझे आता है मैं गा रही हूँ दिस पॉइंट यू वर कास्ट इन द फिल्म Yeah, but clearly I there was, was like an audition still going on. कि मतलब चल रहा है वो process चल रहा है. नहीं नहीं, I was doing the film for sure, but of course I was telling sir कि sir सभी गाने मैं गाऊंगी मतलब अब तो मैं किसी को आने ही नहीं दूंगी picture में मैं ही गाऊंगी बस. तो of course in the film हमारे original चमकीला और अमरजोत के जो original गाने हैं हमने वो भी गाए हैं and sir के जो original गाने हैं वो भी हैं. तो that's why he auditioned me. So I was just telling you कि कैसे हुआ ये call. Sir, please. What is the question? I'll remind you the question. This is a very good answer without a question. But otherwise, the question, sir, was about the live locations and how you incorporated Diljit and Pariniti to sing. So actually, we had around 3-4 days of jamming at my studio to get the soundscape of the real live musicians. They all came in. And 3 days, we just recorded just the feel of it. And then we got Daljit Ji and then Pariniti both to record all those original. We didn't want to change anything. I didn't want to touch that stuff. So it was very puristic and they've done an amazing job of that. Well done. I mean, we've been hearing a little bit. We want to hear the rest of it when it comes to the compositions. Of course, we're very excited to hear their voices. And hopefully, at some point, they will agree. But I'm going to come to you, Ruchika. Mission Majnu, Railway Men, and Once, the few people who didn't know or don't know, that's what a great film does. It kind of, you know, catapults the person, the story, and, you know, the music, the narrative, all of it. Diljit, I'm going to ask you a question. Aap, jab aap bade ho rahe the, when you were a young boy and you were interested in music, did you grow up on Chamkila's music? Did you listen to a lot of music of his? Were you inspired in some way? जब 14-15 साल का हुआ तब चमकीला आया लाइफ में उससे पहले तो घर में जो सुनते थे छोटे बच्चे को तो कोई अलाउ नहीं होता उसकी तो कोई चॉइस नहीं होती जो बहन सुन रही है वही सुन रहा हूँ हिंदी गाने जो डैडी सुन रहे हैं कुलदीप मानक साहब तो मैं कुलदीप मानक साहब सुन रहा हूँ तो बारी तो तब आती नहीं थी ऐसा तो था नहीं कि हमारे पास फ़ोन है और हम चॉइस कर लेंगे वो तो एक टेप रिकॉर्डर है या डैडी सुनेंगे या बहन सुनेंगी तो छोटे बच्चे की क्या बारी आएगी सो जब खुद बाहर गए जाना फिर चमकीला इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर पता चला कि यार ये क्या कमाल का आर्टिस्ट है यू नो बट जहाँ जब हम बात कर रहे हैं इवन व्हेन इम्तियाज व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ इन हिज फर्स्ट आंसर व्हेन ही स्पोक दैट यू नो देयर इज अ वेरी लार्ज पार्ट वेयर वी टॉक अबाउट आवर फिल्म्स एंड वी टॉक अबाउट द फैक्ट दैट वी नीड टू टेल स्टोरीज ऑफ मासेस एंड there is a kind of a common thread between you and him you come from a place in Punjab your bearings have been your first steps into anything creative have been music and like it was for him and then onwards and upwards did you ever feel that when this story came to you you were like okay
this is it, this is the story that I was always waiting to tell or show everyone. नहीं, मेरी कभी कोई ऐसी इच्छा नहीं रही. मुझे लगता नहीं कि मैं मुझे ये करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए. मैं ऐसे कभी अपने आप को ऐसे कैपेबल किसी चीज़ के लिए समझा नहीं. जो आया वो मेरे लिए ब्लेसिंग है, तो ये फिल्म भी मेरे लिए ब्लेसिंग की तरह ही आई और मैं बस ओपन रहता हूँ कि ब्लेसिंग्स आ जाए, बस दैट्स इट. जी, हमें भी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए. दिलजीत दोसांझ कैजुअली पुटिंग इट आउट दैट ही जस्ट हैज़ बिकम अ ग्लोबल स्टार मूविंग वन स्टेप एट अ टाइम, ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग as it should always be. Pari, we know that somewhere you got a few diction classes from Diljit. What was that like? Was he strict with your diction or was he like, theek hai aap ye bol do, phir koi baat nahi, hum dub mein sambhal lenge? Nahi nahi, aisa bilkul nahi hai actually. क्योंकि इवन तो आप जितने भी पंजाबी से रूम में, अगर हम पंजाबी बोलते भी हैं, हम एक थोड़ी एक शहरी पंजाबी बोलते हैं, क्योंकि मैं एक शहर से आती हूँ. और जो चमकीला और अमरजोत जी, जिन उनका जो डिक्शन था, उनकी जो वोकैबुलरी थी, जो लिरिक्स थी, वो जो एक एक्सेंट थी, वो मेरे अंदर नहीं है. तो वो जब भी मैंने गाना रट तो लिया, और उसमें वर्ड्स भी ऐसे हैं जो काफ़ी मुझे समझ नहीं आते. आई अंडरस्टैंड पंजाबी, बट ये बहुत ही ठेठ पंजाबी है. तो मैं हमेशा डीडी के पास जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे बेहतर कोच हो नहीं सकता. एंड हम हमेशा साथ में ही होते थे सेट पे, 24/7 हम लोग रिहर्सल्स करते थे. एंड ये जो अमेजिंग यहाँ पे जो बैंड बैठा है, उनके साथ होते थे. तो ही वॉज़ द बेस्ट टीचर, क्योंकि इनको चमकीला के बारे में सब कुछ पता था. तो मैं हमेशा गाने से पहले एक रिविज़न करती थी कि अच्छा अब आप सुनो मुझे गाते हुए. तो मैं पूरा गाना गा के फिर वो तो उनको ठीक करते थे कुछ वर्ड्स, और फिर ही मैं टेक करती थी. क्योंकि जो हम गा रहे थे वो ही साउंड एक्चुअली पिक्चर में है, जो हमने गाया है. Yes. तो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है जैसे हम लोग टेक देते हैं तो टेक अच्छा नहीं हुआ, 15 टेक कर लिए, फिर स्टूडियो में जाके कुछ बहुत हमने ठीक कर लिया मैनेज. वो बहुत रियल था. तो इट्स लाइक डायलॉग बोलने जैसा. तो वो ही ओनली टॉट मी. वो अभी तक मैं उसी से पूछती हूँ जब भी मेरे को ऐसे कोई ठेठ लाइन गानी होती है. वेल, आई जस्ट हैव टू टेल यू, वी ऑल वेरी जेलस ऑफ द परफेक्ट पंजाबी कोच दैट यू हैव. एंड आई एम श्योर इट्स योर पंजाबी इज बिकम बेटर ओवर टाइम. नॉट दैट इट नीडेड टू मच वर्क. आई नो आई हर्ड यू स्पीक इन पंजाबी इज फैबुलस. राइट बिफोर वी लेट ऑल ऑफ यू गो, दिलजीत परिणीति, बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम द सेट्स ऑफ शूटिंग चमकीला. सबसे बड़ी लर्निंग सेट से एक कोई ऐसी चीज जो आपको याद रहेगी, यू नो, व्हाइल यू वर फिल्मिंग चमकीला. पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत सारे अच्छे लोग और साफ दिल के लोग जब साथ में काम करते हैं तो वो कुछ स्पेशल बनाते हैं. मैं कुछ ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पिक्चर का रिजल्ट क्या होगा, कि ऑडियंसेस क्या बोलेंगी, वो बाद की बात है. बट मेरा जो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं स्पॉयल हो गई हूँ, दैट इज़ बिकॉज सर से लेके मतलब हर एक जो वहाँ ये पिक्चर बना रहा था ना, मैंने एक श्रद्धा देखी है, मैंने एक सच्चाई देखी है, मैंने एक प्यार देखा है. किसी ने इसको फिल्म की तरह नहीं बनाया. इट वॉज जस्ट लाइक 200 पीपल जस्ट लिविंग टुगेदर इन हार्मनी एंड जस्ट प्यार से काम करना. तो फॉर मी द बिगेस्ट टेक अवे इज़ कि पिक्चरें ऐसी बननी चाहिए. यू नो, पिक्चरें प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं बननी चाहिए और किसी गलत कारण से नहीं बननी चाहिए, बस दिल से बननी चाहिए. सो फॉर मी आई विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर दैट नाउ. एंड एज आर वी. सो या, इवन दिलजीत इज सेइंग कि पिक्चरें जो है दिल से बननी चाहिए, बट इट्स फाइन, आई एम आंसरिंग फॉर हिम, परी इज आंसरिंग फॉर हिम. आप जो बोलो, आप अगर आपको यही, हाँ डिटो. नहीं सच, मेरा ही है. Okay. सारा कुछ बोल दिया. पर ये भी सेट पे होता था कि वो ज्यादा बोलती थी आपसे? Yes, नहीं, ठीक ही बोलती. आपसे तो ज्यादा ही बोलती हूँ. हाँ, वो तो मैं एक्चुअली काफी लोगों से ज्यादा ही बोलती हूँ. वेरी गुड. यस, इम्तियाज, राइट बिफोर वी लेट यू गो, व्हाट्स द मेनी थिंग्स और दैट वन थिंग दैट वी शुड ऑल लुक फॉरवर्ड टू व्हेन इट कम्स टू चमकीला? मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी ऑन स्टेज. And many things have been said, but कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बोला कि दिलजीत वहाँ विलेज में शूट कर रहे थे पंजाब में, प्लेइंग चमकीला, बट ही हिमसेल्फ इज़ अ बिगर स्टार. उस वक्त मुझे स्ट्राइक हुआ, मुझे लगा
ke the way Diljit has performed in a land where everybody is actually scared to even look at him because he's such a big star. And we are talking about small town Punjab. वहाँ पे ये जब एक्टिंग कर रहे थे चमकीले की, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस आदमी को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ. इनको ये लग रहा था मैं चमकीला हूँ, मैं चमकीले की एक्टिंग कर रहा हूँ या मैं चमकीले की तरफ जा रहा हूँ, उसके गाने गा रहा हूँ. इनकी वजह से मुझे भी ये एहसास नहीं था कि ये कौन है, कि ये ही इज़ नॉट लाइक ही इज़ नॉट एनीथिंग, ही इज़ जस्ट चमकीला, यू नो. और मेरे साथ साथ परिणीति को, बाकी जो क्रू एंड कास्ट थे एंड वहाँ के जितने भी लोग थे, उनको भी यही लग रहा था कि ये रियल में हो रहा है, वो चमकीला परफॉर्म कर रहा है और दिलजीत वॉज नॉट देयर. सो ये चीज़ बहुत 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 मुश्किल है और ये एक्चुअली मुझे बाद में अभी स्ट्राइक करती है कि उन्होंने नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ. When somebody does something like that, it makes it memorable. I don't think Pariniti was thinking, who am I? She was just thinking, who is Amar Jyot? You know, and that is why we do the work we do. So, ye aap logon ka dhanyawad. Paaji, aapka dhanyawad. Mujhe baad mein bahut sari cheeze aapki strike karti hain ki aap jo cheez ho. And abhi inhone kaha ki aapne bahut kuch already achieve kar liya hai. बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बस आपकी शुरुआत है और आप जहाँ जहाँ जाओगे हम भी आपके साथ रहेंगे पाजी. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस फ्रेशनेस केम इन टू माई लाइफ ऑफ डूइंग दिस फिल्म. आई एम थैंकफुल टू नेटफ्लिक्स टू टेक इट अप विद इक्वल लव. एंड थैंक यू वेरी मच. Right, that was a beautiful statement, beautiful moment. Always nice to see so many emotions on stage. So, before we let you go, if you had to sum up the music of Chamkila for us, how would you sum it up in the most A.R. Rahman way? I think it's a part of Indian heritage, defined again. So true. Yeah. That's absolutely wonderful. Ruchika, any last words? Just pure magic. Aha, all right. Speaking of pure magic, जब movie music पर based हो और खुद हमारे पास इतने जो बड़े superstars हैं stage पर, when it comes to Imtiaz, Pariniti, Diljit, A.R. Rahman and of course Ruchika for making this happen, हम ऐसे कैसे जाने दें? You think that we should ask Pari and Diljit to to sing a few lines? You think we can request them? I think if the cheer is loud enough, maybe they turn around and say yes. Yeah, I can we say no to this audience? No, we can't. How do I argue with Diljit now? You tell me if he says no, then should we say please once more? Please. मैं गा दूंगा जी, कोई बड़ी बात नहीं है. कोई ऐसी बात नहीं, वो सर बैठे हैं तो मतलब बहुत ये दिग्गज हैं, हम तो मतलब इनके सामने जीरो भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा वो आता है. आप परिंदी जी शुरू. मैंने Zoom call पे गा दिया था, याद है? But we don't, I mean, we love Maskalandar, but that's not the song we want you to sing. We want you to sing what you sang in the film. But would you like to come there or sing wherever? अच्छा ठीक. नीचे कर. ना 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 ना. ओरिजिनल यार तुम्हारे, मैं मानूं यार. नहीं, ओरिजिनल चमकीले की बात हो रही. बहुत है, बहुत है, बहुत है. अपने ही बंदे, अपने ही बंदे बैठे हैं. हाँ, यही अब क्या आवाज आ रही है? अरे अरे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है. ये पता है सेट पे भी ऐसे ही होता था. मैं आपको जल्दी से 30 सेकंड में बताती हूँ. चमकीला जी का जो सुर था ना, वो बहुत ऊंचा था और अमर जो जी जो फीमेल आवाज़ थी उनको मैच करने के लिए उनका 10 गुना हाई होता था. तो ये हमेशा चीटिंग करते थे सेट पे. मैं एक स्केल सेट करती थी और ये पीछे, ये देखो ये जो सेटिंग चल रही है ना पीछे से, ये सेट पे भी होती थी. बट आई डोंट नो व्हाट सेटिंग, बट ही सेइंग नो 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 एट द बैक. इज दैट व्हाट यू? या ही इज डूइंग इट नाउ आल्सो.
No, no, see. Okay, okay, guys. Behave. Batao scale. आधा नीचे का याद हो यार जी शाह वैर ने फड़के नी यार कूड़ा पत्त वरगा लाल हैकना वैर ने फड़के नी यार कूड़ा पत्त वरगा क्या बात है रियली दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक परिणीति दिलशीत क्या बात है क्या बात है एंड आप लोगों ने भी रियली रियली एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैन वी हियर वंस अगेन फॉर परिणीति दिलशीत एंड द एंटायर टीम ऑफ चमकीला एंड नाउ वीड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर अ फोटो अपॉर्चुनिटी जी हाँ कैन वी हैव द चेयर
sir, and I froze. I literally froze. Then he warmed all of us up, and there was a level of comfort. And I did a few sessions with him. But then one fine night, I suddenly got a call, and it was 2:30 a.m. maybe, and sir was like, come to the studio, and we were jamming. And in 10 minutes, I had this melody in front of me. It was surreal. I still cannot believe it. That's absolutely wonderful. I'm sure it really was surreal, but more than anything else, we're looking forward to your performance today. So ladies and gentlemen, give it up for Yashika as our first, in fact, our second performer today. Yes. Can we hear it for her? Thank you. All right. So we're set. Over to you. Ladies and gentlemen, can we hear it for Yashika one more time, please? Thank you.
That was absolutely beautiful. Rehman sir, we have you with us on stage right now. Tell me, what made you choose Yashika's voice? Because, you know, finding this voice or this quality of voice is an art and nobody else except you can do it. I think she came for the initial jamming session. We had, for Dengar, we had like almost 8 to 9 singers. Mm-hmm. I picked this voice. I said, let's call that girl again. And we tried with her and it was a process actually. We made her re-sing twice and then there she was. And what a process it is. And come on, we can't keep ourselves under control or in check because we've got the A.R. Rehman performing for us at the very launch of Chamkila. It doesn't get bigger and better than this. But joining him, dosto, kursi ki peti baandh lijiye kyunki mausam music ko next level pe le jaane wala hai because we have someone who's a surprise, who's as epic as it gets. Yes, A.R. Rehman sir ko join karne wale hain. Wo ek aisi divine voice hai jo aap guess kar sakte hain. Okay, I'll drop a hint. Chalo, hint de deti hoon. आपको हीरे और मोती से प्यार है क्योंकि उन्हें नहीं है पर हमको उनकी आवाज से तो प्यार बहुत ही ज्यादा है. यस लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर पद्मश्री कैलाश खेर. शादियां हो जाने बुले शादियां हो जाने मैनू अपनी तोड़ निभावन दे मैनू उसड़ा मोड़ लियावन दे. Thank you.
Akash Kher and A.R. Rahman. What a beautiful melody the two of you have created. Really, there's no bigger power than music. And we've seen the biggest example right now. Give it up for Kailash Kher and the one and only A.R. Rahman. Thank you very much, Kailashi. And thank you very much, sir. Thank you. What a melody that was. That was absolutely... And of course, give it up for Yashika. Can we have another photograph?